पुलिस की कस्टडी में जिस तरह से उनकी हलाकत हुई, लगता है कि यूपी में जंगल राज है। देश में दुनिया में कहीं कोई होता है तो कौन आकर के खड़ा हो गया उस तरह से? तो वहाँ के लोगों को, पुलिस को तो देखना ना चाहिए था पहले से कि आप कोई जेल में हो, उसको इलाज के लिए ले जा रहे हैं या किसी काम के लिए ले जा रहे हैं और रास्ते में हो गया, ये बहुत दुखद है। यूपी में जो हुआ अगर आप देखें तो ये अतीक जी का जनाजा नहीं बल्कि ये जनाजा जो था कानून का जनाजा जो है वो निकला है। दोनों व्यक्तियों को हथकड़ी लगी हुई, हथकड़ी की डोर किसके हाथ में थी? पुलिस के थी। कहीं भाग भी नहीं सकते, कहीं हाथ नहीं हिला सकते, तो सीधे ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। कानून के अंतर्गत ही सब कार्रवाई होगी, तब जाके देश में कानून व्यवस्था कायम रहेगी, देश एक रहेगा, अखंड रहेगा, सभी जाति धर्मों के बीच में कॉन्फिडेंस रहेगा। पुलिस के घेरे में अगर हत्या होती है किसी गुंडे की, तो ये लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देगा। क्या चल रहा है देश में? जिसको मर्जी मार दो, जिसको मर्जी काट दो, जिसको मर्जी फाड़ दो, जिसको मर्जी एजेंसी लगा दो। ये क्या है? आप समझ रहे हैं कि किसी को गोली मार देंगे और इस तरह करेंगे तो कोई डर के खामोश हो जाएंगे? ये वक्त तो इन लोगों के खिलाफ बेखौफ होकर मुकाबला करना है। अतीक तो बार बार कहता था कि वो यूपी जाएगा तो उसका कत्ल कर दिया जाएगा, तो ये बात तो सच साबित हो गई। और इस वक्त जब सारी पुलिस उसको घेरे हुए है, वीडियो के अंदर नजर आ रहा है कि एक फीट डेढ़ फीट के फासले से वो लड़का आके पिस्तौल से गोली मारता है सर में।